एक बार एक व्यापारी ऊंट खरीदने के लिए बाजार में गया। उसे एक ऊंट पसंद भी आ गया, सौदा हुआ और जो भी पैसे बनते थे वो उसने ऊंट वाले को दे दिए और ऊंट लेकर अपने घर पर आ गया। जो व्यापारी था उसका एक खास नौकर था जो उसका सारा काम संभालता था। उस नौकर को जब पता चला कि नया ऊंट आया है, ऊंट की जो काठी होती है उसने वो काठी उतारी, तभी वो शौक में आ जाता है क्योंकि उस काठी के नीचे एक मखमली थैली उसे मिलती है। थैली खोल के जैसे ही उसने देखी उसके अंदर हीरे थे। वो चौंक गया और दौड़ के अपने मालिक के पास गया और बोला, मालिक आप सिर्फ ऊंट ही नहीं लाए हो, आप ऊंट के साथ एक मखमली थैली में बहुत सारे हीरे लाए हो। व्यापारी बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? तब नौकर बोला, देखिए कितने अच्छे अच्छे हीरे हैं। व्यापारी ने कहा, इस थैली को वापस बांधो, इसे मैं दे के आता हूं। नौकर ने कहा, कितना बेवकूफ मालिक है, अच्छे खासे हीरे को वापस करने जा रहा है। उसने मालिक को समझाया कि किसी को क्या पता चलेगा, आप तो ऊंट लेकर आए हो, बात खत्म हो गई, किसी को क्या पता चलना है। व्यापारी ने कहा, नहीं नहीं मैं अब वापस लौटाने जा रहा हूं। व्यापारी ने मखमल की थैली ली, उसी बाजार में गया और उस ऊंट वाले को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद जब वो ऊंट वाला मिला तो व्यापारी ने कहा, भाई वो जो आपसे मैं ऊंट लेके गया था उसकी काठी के नीचे एक मखमली थैली थी, उसमें बहुत सारे हीरे थे, मैं इसको आपको लौटाने आया हूँ। ऊंट वाले ने कहा, क्या बात है, तभी मैं सोचूं वो थैली मिल क्यों नहीं रही, वो तो ऊंट के साथ चली गई थी। ऊंट वाला व्यापारी की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपको मैं इन कीमती पत्थरों में से एक हीरा देना चाहता हूँ, आपको जो भी इनमें से पसंद है आप चुन लीजिए। व्यापारी ने कहा, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस लौटाने आया हूँ। ऊंट वाला नहीं माना, उसने कहा, नहीं नहीं आपको रखना ही पड़ेगा। व्यापारी ने कहा, मैं तो पहले ही दो हीरे अपने पास रख चुका हूँ। जैसे ही ऊंट वाले ने ये बात सुनी उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा, अब तो मारना ही पड़ेगा, इसने खुद ही दो हीरे अपने पास कैसे रख लिए। फिर भी उसने अपना गुस्सा थोड़ा शांत किया, थैली खोली और हीरे गिनने शुरू किए और उसने क्या देखा कि हीरे तो पूरे थे, एक भी हीरा कम नहीं था। तब उसने व्यापारी से कहा, कौन से दो हीरे, ये हीरे तो पूरे हैं, कौन से दो हीरे आपने रखे हैं? उस व्यापारी ने कहा, मैंने सबसे अनमोल दो हीरे अपने पास रख लिए, पहला ईमानदारी और दूसरा अपना आत्मसम्मान। दोस्तों जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपकी ऑनेस्टी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। दोस्तों पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। आशा करता हूँ आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई होगी। अगर ऐसी स्टोरी आप और भी सुनना चाहते हैं तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।